प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग परेशान है खाना खाने के तुरंत बाद में आपके जो है खट्टी डकारे आना शुरू हो जाती हैं, सीने में जलन होती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको अक्सर होती रहती है, तो ये नुस्खा बेहद ही असरदार है और तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली आपको रिलीफ देगा। यानी कि आपकी पेट में गैस, एसिडिटी है, सीने में जलन है, तुरंत राहत मिलेगी इस नुस्खे के इस्तेमाल से। तो इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले तो आपको लेना होगा एक नींबू। नींबू आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और ये हर किसी के घर में होता ही है। अगर नहीं है तो आप बाजार से लाकर अपने घर में रख लीजिए। नींबू बहुत ही ज्यादा काम की चीज होती है। ये हमारे पेट से गैस, एसिडिटी की समस्या को बहुत ही तेजी से खत्म करती है। तो आपको करना क्या है, इसके बीजों को जो है आपको हटा देना है। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो नींबू का हम रस निकाल लेंगे। अच्छे से एक पूरे नींबू का आप रस निकाल लीजिए और ये देखिए इस तरीके से हम नींबू के रस को निकाल लेंगे। अब इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, बहुत आसान सी है जो आपको इजीली मिल जाएगी। आपको लेना होगा इसमें शहद। तो शहद आप जो है अच्छा ही लीजिएगा, यानी कि प्योर लीजिएगा, तब ये आपके लिए वीडियो बहुत ही जल्दी ये नुस्खा असर करेगा। तो एक चम्मच भर करके हम इसमें शहद डालेंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आप गर्मियों में जो है खाना खाते समय सलाद का जरूर इस्तेमाल कीजिए। खीरा है, ककड़ी है, प्याज है, उस पर नींबू डाल के, नमक डाल के आप सलाद जरूर खाइए, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस नुस्खे को आपको तुरंत के तुरंत ताजा बनाना है और फौरन पी लेना है। इसको पीने के बाद में आधे घंटे तक आपको ना ही पानी पीना है ना ही कुछ खाना है। बस आप ये करते रहिए, 2 से 3 महीने लगातार भी कर लेंगे तो आपकी जो एसिडिटी, सीने में जलन की प्रॉब्लम है, आपको हाइपर एसिडिटी रहती है, वो समस्या जल्द से खत्म हो जाएगी इस नुस्खे के इस्तेमाल से।